देखो बेटा, आज हम करेंगे 11.3 के एग्जांपल्स। इन एग्जांपलों में फर्स्ट एग्जांपल क्या है, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, हमें ये प्रूव करना है। तो इसको हम लेट सपोज कर लेते हैं वाई के इक्वल। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई आ गई। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, टेंजेंट हाइपरबोला वाई डिवाइड बाय वन माइनस का टेंजेंट हाइपरबोला का स्क्वायर। वन माइनस का टेंजेंट हाइपरबोला का स्क्वायर क्या होता है बेटा, सेकेंट हाइपरबोला वाई। और इनको साइन बाय कोस में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या बन जाता है, साइन हाइपरबोलिक वाई बन जाता है। अगर ये चीज़ साइन हाइपरबोलिक वाई के इक्वल है तो वाई किसके इक्वल हुआ, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ दिस। लेकिन वाई की तो वैल्यू ये लेके चले थे, इसका मतलब कि वाई की वैल्यू इधर से ये आ गई, इधर से ये आ गई, तो इसका मतलब कि दोनों क्या हो गए, इक्वल। क्लियर। उसके बाद है एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड में क्या है, ये कहता है कि इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करो। तो इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए मान लें कि इसको अल्फा प्लस का आइटा बीटा लिख लिया, अल्फा प्लस का आइटा बीटा लिख लिया, कोस इधर ले आए, कोस इधर ले आए, तो कोस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस का आइटा बीटा हो गया। उसके बाद इसको हाइपरबोला को सिंपल कोस में कन्वर्ट कर लिया, आइटा लग जाएगा, हाइपरबोला हट जाएगा। तो हाइपरबोला हट जाएगा और आइटा लग गया, यहाँ पे आइटा को अंदर ले गए तो ऐसा आ गया। उसके बाद एक्स प्लस का आइटा वाई की वैल्यू ये आ गई। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद यहाँ से क्या आ गया, इसको इधर ले आए, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस का बीटा है, प्लस का आयोटा अल्फा है, उसकी वैल्यू ये है। अब उसके बाद टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, अगर कंजुगेट लेंगे तो माइनस का बीटा माइनस का अल्फा, कोस इनवर्स एक्स माइनस का आयोटा वाई आ गया। अब उसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन और ये कौन से आ गए, सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का टू बीटा आ गया। तो इसको ऐड करने के बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस का अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ वन माइनस का वाई स्क्वेयर। उस फॉर्मूले से हमने इसको खोल दिया। खोलने के बाद इनके मल्टीप्लाई वगैरह कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करो, आता है आपको करना, मल्टीप्लाई तो आती ही करने। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये टू बिट्टा की वैल्यू आ गई। तो बिट्टा की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी माइनस का टू बिट्टा की वैल्यू आ गई है। तो बिट्टा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का वन बाई टू कोस इनवर्स ऑफ दिस। समझ आ गया। तो बिट्टा आ गया तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब हमें अगर अल्फा को निकालना है तो क्या करेंगे, अल्फा को निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो बिट्टा कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा बच जाएंगे। समझ आ गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, मैडम हमने ऐसा क्यों किया, यहीं से अभी तो कर सकते थे। नहीं कर सकते थे बेटा, क्योंकि यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस का आइटा वाई है, इनके तो फॉर्मूले प्लस में और माइनस करने पर आ जाते हैं आपके पास, इनके तो नहीं है ना, तो इनके फॉर्मूले हैं। तो इस कारण हमने ये थोड़ी सी एक्सप्लेन करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बात समझ में आ गई, क्योंकि कईयों के माइंड में आएगा कि यहाँ पे क्यों नहीं किया हमने ऐसा, यहाँ पे अल्फा और बीटा तो सेपरेट हो जाते हैं लेकिन राइट साइड में फॉर्मूला नहीं बनता। फॉर्मूला बनाने के लिए हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करना पड़ेगा। तो टू आयटा अल्फा आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का फॉर्मूला अब लग जाएगा। यदि यहाँ पे बीच में प्लस होता तो यहाँ पे माइनस, और अगर यहाँ पे माइनस है तो बीच में प्लस। उसके बाद कोस इनवर्स दिस आ गया। अब यहाँ पे कोस को उधर ले जाओ तो कोस टू आयटा अल्फा की वैल्यू ये अंदर वाली आ जाएगी। तो कोस टू आयटा अल्फा मतलब कोस हाइपरबोलिक टू अल्फा की वैल्यू ये आ गई। और यदि हम टू अल्फा निकालना चाहते हैं, कोस हाइपरबोला का दोबारा इधर ले जाओ और टू को फिर दोबारा इधर ले जाओ, तो अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी। इसका मतलब कि रियल पार्ट इज दिस और इमेजिनरी पार्ट इज दिस। इसी तरह आपके पास सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में भी हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस का आयटा बीटा है तो टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस का आयटा वाई। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइपरबोला को हटाएंगे, यहाँ से हाइपरबोला इनवर्स में है तो इनवर्स में हटाएंगे, तो वन बाय आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से अंदर मल्टीप्लाई। समझ आ गया। आयटा से बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड और आयटा से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर। तो टेंजेंट इनवर्स इसको खोल लो तो आयटा एक्स माइनस का वाई बन गया, वन बाय आयटा आ गया। आयटा को इधर या तो मल्टीप्लाई कर लो, यदि नहीं चाहते तो ना करो, यहाँ पे कंजुगेट ऑन बोथ साइड ले लो। यदि यहाँ से कंजुगेट लेंगे ना बेटा, कंजुगेट तो नहीं ले रखा, एक सेकंड रुको,
हाँ बेटा, यहाँ पे कंजुगेट ले रखा है, यहाँ पे कंजुगेट लिया और यहाँ पे कंजुगेट ले लिया। अब यहाँ से फिर वही टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स को हटाना चाहते हैं टेंजेंट इनवर्स में, तो आयटा से डिवाइड कर लिया, आयटा से मल्टीप्लाई, आयटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो आयटा एक्स आ गया और आयटा का स्क्वेयर बन गया, आयटा का स्क्वेयर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये समझ आ गया इतना। अब यहाँ पे आ गई इसकी वैल्यू, यहाँ पे आ गई इसकी वैल्यू, अब दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट हो गए और उनके फॉर्मूले हैं अपने पास, समझ आ गया। तो एक बार तो ऐड कर दो, ऐड करो तो 12 था और यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, देखो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस का एक्स इंटू में वाई, 1 बाई आयटा एज इट इज। उसके बाद क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई आता आपको करना ऐसा आ जाएगा। फिर इस आयटा को भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको इसको हटाएंगे तो हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाएगा अगेन, क्लियर हुए, हाइपरबोला में अगेन कन्वर्ट हो गया, तो ये क्वांटिटी आ गई आपके पास। अल्फा को सेपरेट करना चाहते हैं तो 2 को इधर ले जाओ, तो 1 बाई 2 टेंजेंट हाइपरबोला इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बिट्टा में तो ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये कन्वर्ट कर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा तो बिट्टा की वैल्यू ये आ जाएगी, तो अल्फा भी अलग हो गया और बिट्टा भी अलग हो गया। उसके बाद है प्रूव करना है लोगरिथम ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू आयटा टेंजेंट इनवर्स साइन हाइपरबोलिक एक्स में, देखो कैसे, लोगरिथम ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आयटा लोगरिथम ऑफ दिस, यहाँ से क्या किया, इसका फॉर्मूला खोल रखा है, टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा का क्या होता है, 1 प्लस का टेंजेंट थीटा, 1 माइनस का टेंजेंट थीटा, यहाँ पे थीटा को कंपेयर करो एक्स बाई 2 आयटा है, तो यहाँ पे सेम रहेगा एक्स बाई 2 आयटा, एक्स बाई 2 आयटा, यहाँ पे एक्स बाई 2 आयटा है, हम क्या चाहते हैं ये, इसको यहाँ से आयटा को हटाना चाहते हैं, तो आयटा को बाहर ले आओ, टेंजेंट है अलाउड करेगा बाहर लेके आना, लेकिन टेंजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइपरबोला में, इसी तरह नीचे, समझ आ गया। फिर टेंजेंट को साइन बाय कोस में कन्वर्ट करो तो ऐसा आ जाएगा, समझ आ गया। अब लॉग आगे हैं तो लॉग एम बाय एन, तो लॉग ऑफ एम माइनस का लॉग ऑफ एन, फिर क्या किया यहाँ से लोग अल्फा प्लस आयटा बीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है लोग अल्फा प्लस का आयटा बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाई 2 लोगरिथम ऑफ अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस में क्या होता है आयटा टेंजेंट इनवर्स बीटा बाई अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अल्फा इज दिस और बीटा इज दिस, तो 1 बाई 2 लोग अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस आयटा टेंजेंट इनवर्स बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा साइन बाई कोस क्या होगा टेंजेंट, सिमिलरली यहाँ पे सेम तरीका, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी कैंसिल, ये डबल हो जाएगा, इसका डबल हो गया, यहाँ पे डबल हो गया, तो 2 आयटा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट हाइपरबोला x बाई 2। यहाँ पे फिर